ये भी उनके ओरिजिनल उसके लिए है क्या मैम? ना ना मैम, ये तो ये तो मैंने उससे रिसर्च पेपर से, हाँ क्योंकि उसमें डैमेज दिख रहा है ना। कल तो घर वाले देखेंगे तो टेस्ट करा लेंगे, नहीं तो दिखा के काम चला लेंगे। इसको डायरिया हो गया था और इसको कॉन्स्टिपेशन, बहुत कॉन्स्टिपेशन से। हाँ, इसका टीटीजी लेवल बहुत हाई था मेरे बेटे का। नॉर्मल टीटीजी हमने ये दिखाया ना, एनालिसिस जो है टीटीजी लेवल ही है प्राइमरी। तो फिर एंड प्रेजेंटेशन अच्छी थी लड़की की, बट दोनों काम में मल्टीटास्किंग एक साथ नहीं कर सकती। बट अगर प्रिंसिपल पास करने के बाद अगर मैंने किसी बात किया बात मुझे बस सोचना होगा कि साइज अच्छी नहीं। कोमा में वर्क नहीं कर सकता, ब्रेन प्रोसेस करेगा तब तक। कोमा इज ब्रेन डेड ना, जब तक आप थिंकिंग ले पा रहे हैं तब तक होगा। नेक्स्ट इज 3D ऑर्गन प्रिंटिंग। यहाँ पे हमने दिखाया ऑर्गन प्रिंटिंग इंडस्ट्री, यानी कि जब भी कोई हमारा ऑर्गन डिफेक्टिव होता है और ऑर्गन ट्रांस सप्रेस कर देगा ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो, तो उससे एनर्जी का खतरा होता है, इन्फेक्शन का खतरा होता है। बट 3D ऑर्गन प्रिंटिंग का मॉडल हमारा जो ये है आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग पे बेस्ड है, वो ये है कि आपकी ही बॉडी से आपके स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट होंगे, प्लाज्मा बोन मैरो और प्लेसेंटा से स्टेम सेल्स हम ले सकते हैं। स्टेम सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए और उसके बाद ये स्टेम सेल्स ट्रांसफर होंगे इस बायो इंक। ये बायो इंक के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप मैनर में यहाँ पे ऑर्गन धीरे धीरे प्रिंट होता रहेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, लेयर बाय लेयर। इसका प्रेशर भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है और एक 3D मॉडल प्रिपेयर होगा उस ऑर्गन का, और उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप बायो इंक के थ्रू वो मॉडल हम प्रिंट कर देंगे। बट प्रिंट करने के बाद भी हम इसको डायरेक्ट ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, हमें इसे कल्चर मीडिया में, जैसे मैंने यहाँ कल्चर मीडिया रखा हुआ है, इसमें हम रखेंगे। नेक्स्ट जो फर्स्ट ऑर्गन प्रिंट हुआ था वो ब्लैडर हुआ था 1970s में, अभी रिसेंट ईयर प्रिंट हुआ है। लास्ट जो हमारा सेगमेंट बचा है वो बचा है पर्सनलाइज मेडिसिन, हमने यहाँ पे शो किया है। हमारा सबका जेनेटिक लेवल पे जेनेटिक मेकअप सबका डिफरेंट है, चाहे मैं अपनी बात करूँ चाहे आपकी बात करूँ। हो सकता है मुझे एक बेनिफिट, मुझे एक मेडिसिन सूट कर रही हो और आपको वो सूट ना करे। मेडिसिन की कैटेगरी में 4 कैटेगरीज हो सकती हैं, वो मेडिसिन मुझे इफेक्टिव है, मेरी जो भी मुझे दिक्कत है उसको ठीक कर रही है और मुझे टॉक्सिक भी नहीं है। दूसरी कैटेगरी ये हो सकती है कि मुझे ठीक ठाक ठीक तो कर रही है लेकिन मुझे टॉक्सिक है। तीसरी कैटेगरी मुझे ठीक नहीं कर रही लेकिन मुझे टॉक्सिक हो रही है। चौथी और लास्ट और वर्स्ट कैटेगरी मुझे ठीक भी नहीं कर रही और टॉक्सिक भी है। ये 4 कैटेगरी होती है। बट इसमें पर्सनलाइज मेडिसिन में क्या सेगमेंट मैंने शो किया है कि आपके जीनोम की सिक्वेंसिंग करने के बाद आपके ही जीनोम को लेके एक पर्सनलाइज मेडिसिन आपके अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड हो जाएगी जीनोम रीडिंग की हेल्प से। इसमें जीनोम रीडिंग में सिक्वेंसिंग में क्या होता है, आपके जीनोम को रीड किया जाएगा। ये मैनुअली पहले भी होता था बट डाटा रीडिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रोसेस को फास्ट कर देगा। ये पहले एक्चुअली हमारे इंडिया में आयुर्वेदा जो था वो पहले से ही पर्सनलाइज था। आयुर्वेदा वात पित्त और कफ को एनालाइज करके हमें अपने अकॉर्डिंग डाइट और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता था। आयुर्वेदा का ये मानना है कि हम दवाइयों को कम कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू मेडिसिन, राइट। यहाँ पे मैंने एक सिम्टम डाइट चार्ट डायबिटीज का बनाया है आफ्टर एनालाइजिंग वात पित्त और कफ। और उसके बाद जब मैं इस मशीन में इस सेगमेंट में डालती हूँ साइड बाई साइड डाटा रीड के बाद प्रॉपर मुझे एक डाइट चार्ट मिल जाता है कि मुझे क्या खाना चाहिए और मुझे क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। बेंच को पीछे लेके जाते हैं ना, आगे क्यों रखा है हमने? समझ में आ रहे? यस मैम, ये तो कोरल वाला है। बायो बिल्डिंग ऐसी होती है। मैंने निकाल ली थी ना, इसीलिए। आप कहाँ से आए हो? यहीं से। यहीं से? मेरी यहीं पे ड्यूटी है। अच्छा।
पहचाना?